वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री पीयूष फतेहपुरिया जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो अभी स्थिति जो आई है पेपर ट्रेड एसोसिएशन पे, पर्टिकुलरली अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो वैसे भी एजुकेशन चलने की वजह से अब तो पेपर की डिमांड वैसे भी कम हो गई है। सेकंड थिंग, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, उसमें भी काफ़ी फर्क गिरा आपके ट्रेड पे, उस बारे में बताइए। आपने सही कहा, जब से लॉकडाउन हुआ है पेपर का व्यवसाय नहीं के बराबर हुआ है। जबकि जून जुलाई में स्कूल कॉलेजेस चालू होते हैं तो पेपर का कंजम्पशन ज़बरदस्त रहता है, लेकिन न इस साल स्कूल कॉलेजेस चालू हुए, न नोटबुक की डिमांड हुई, न पब्लिशर्स ने नोट्स निकाले, न नोट्सबुक स्कूल कॉलेज चालू नहीं होने के कारण ये काफ़ी दिक्कत गई। और मिलों का प्रोडक्शन जो था, पेपर मिल ने अपना प्रोडक्शन कुछ कम किया नहीं था, उन्हें लगा कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अप्रैल मई जून तक के 2-3 लॉकडाउन आए, न खुलने के कारण मिलों ने अभी इतने रेट कम कर दिए हैं, उसके बाद भी पेपर की डिमांड आज के तारीख में कुछ भी नहीं है। वेडिंग कार्ड्स ले लीजिए आप, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि 50 जन के ऊपर आप शादी में नहीं ला सकते, गेस्ट नहीं ला सकते, तो लोगों ने व्हाट्सएप कार्ड, ई कार्ड बनाना शुरू कर दिया, तो वेडिंग कार्ड का सीज़न भी एज इट इज़ धरा की धरा रह गया। फुल सीज़न रहता है, गर्मियों में शादियां होती हैं और ठंडियों में शादियां होती हैं, उसके कारण भी वेडिंग कार्ड्स का डिमांड भी कुछ भी नहीं थी। और पेपर की डिमांड आप समझिए कि टोटल 100 में से 25% पेपर कंज्यूम हो रहा है मार्च से अभी तक के। देखा गया है कि ये जो पेपर ट्रेडर्स पे जो अभी आफत आ चुकी है, जो मार्केट जो काफ़ी स्लैक चल रहा, मंदी के दौर से गुजर रहा, इसमें DTP ऑपरेटर का भी काफ़ी लॉस हो रहा, उनको भी डिजाइंस के लिए वो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, अपना पेपर्स अवेलेबिलिटी न होने की वजह से, कंजम्पशन न होने की वजह से उनकी भी भूखमारी की नौबत आ गई है। तो इस ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस आई है, इससे सर्वाइव होने के लिए आपके पास आपको क्या कितना समय लगेगा? ये जब पूरा फुल फ्लेजर चालू नहीं होगा, स्कूल कॉलेजेस चालू होंगे तो प्रिंटर्स चालू हो जाएंगे, पब्लिशर्स चालू हो जाएंगे, नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स चालू हो जाएंगे, उसके बाद में स्कूल कॉलेजेस जैसे नोट्स आते हैं तो ये जो आप DTP और इनकी बात करें तो सबको अपने आप काम मिलना चालू हो जाएगा। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि नवंबर में हम स्कूल चालू करेंगे, अभी आ गया है कि 13 दिसंबर के बाद में ही स्कूल चालू होगी। तो जिस जब भी स्कूल चालू हो, प्रॉपर तरीके से चालू होंगी, उसी के बाद ही बाजार पेपर का उठेगा, उसके पहले कोई संभावना नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो पेपर के रेट हैं, आज से 10 साल पहले जो रेट थे वो आज 2020 में रेट है पेपर के। इतनी मंदी आई है पेपर में, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कंपनियों ने भी अपने रेट जो रिड्यूस किए, 25-30% कंपनियों ने रेट रिड्यूस किए, कंपनियां चलाना मुश्किल जा रहा है पेपर मिलों को, ट्रेडर के पास माल नहीं बिक रहा है तो सामने रिटेल में माल बिकेगा नहीं। तो ये पूरी साइकिल है, चेन है पूरी। जिस दिन भी मार्केट प्रॉपर चालू होगा, स्कूल कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, पेपर का व्यवसाय बराबर अपने लेवल में आ जाएगा। बीच में पेपर ट्रेडर एसोसिएशन ने आपकी जो अग्रिम संस्था है नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके थ्रू सरकार को एक निवेदन दिया था कि एक रिलीफ पैकेज दिया जाए या कुछ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, कोई पेपर ट्रेडर्स और व्यापारी के लिए कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर और कुछ आया नहीं है। अब जबकि सेकंड लॉट आने की शक्यता चल रही है सर, तो उसके वजह से आगे चलकर स्कूल का जो डेट जो फिक्स किया हुआ है 13 दिसंबर, हो सकता है आगे और अवधि बढ़ जाए, तो और जैसे स्टार्ट होगा तो वैसे तो आपका एकदम फ्लोरिश होगा नहीं, तब भी उसको इसमें आने के लिए, फुल फ्लेज में आने के लिए कितना समय लगेगा? गवर्नमेंट ने जैसे बोला है कि हम 13 दिसंबर से चालू करेंगे, लेकिन पेरेंट्स लोग अभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं, महीना दो महीना, यानी जो अगला सेशन चालू होगा जून जुलाई का, उसी से बच्चा स्कूल में जाएगा और स्कूल की जो फिजिकल एजुकेशन है वो चलेगी, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो हमारा जो पूरा पेपर व्यवसाय का जो इतना नुकसान हुआ है, आज 21 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, अभी तक उससे भी पेपर व्यवसाय उभर के नहीं आया है। एक ओवरऑल रेशियो निकल है तो जो स्कूल का जो आपका कंजम्पशन है और वेडिंग का जो कंजम्पशन है कार्ड का, तो कितना परसेंट होता है? स्कूल कॉलेजेस में जैसे पब्लिशर्स हो गए, नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स हो गए,
इनका जो कंजम्पशन रहता है वो 60% स्कूल कॉलेजेस में ही पेपर कंज्यूम होता है, बाद में कोरोगेशन में कंज्यूम होता है, उसके बाद में वेडिंग कार्ड्स में भी 10-15% वेडिंग कार्ड में भी पेपर यूज होता है। तो ऐसे कंप्यूटर स्टेशनरी एक यूनिट है, अब सब ऑनलाइन टेंडर्स हो गए तो कंप्यूटर स्टेशनरी में भी यानी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट टेंडर्स नहीं निकले, जो गवर्नमेंट टेंडर्स 5-5, 10-10 हज़ार टन के गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते थे वो गवर्नमेंट के टेंडर्स ही नहीं निकले, तो कहाँ से कंज्यूम होगा पेपर। जल्दी वैक्सीनेशन लाए और जो हिंदुस्तान की आज ये स्थिति है उससे उभर पाए। हर व्यापारी दिक्कत सभी है, पेपर व्यापारी हो, सीमेंट व्यापारी हो, लोहा व्यापारी हो, दिक्कत सभी को जा रही है। जो हिसाब से डिमांड आना चाहिए वो हिसाब से डिमांड कुछ भी नहीं। आप ट्रेडर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हो, तो आपकी सरकार से क्या मांग रही है? हमारी सरकार से यही मांग है कि कुछ पैकेज ऐसा हमें दिया जाए ताकि हमने जो भी लॉस किया है मार्च से लेकर दिसंबर तक का जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको थोड़ा बहुत सरकार ने सोचना चाहिए, कोई टैक्सेशन में या किसी न किसी प्रकार कुछ कॉम्पेंसेशन व्यापारी को मिलना चाहिए। यही सरकार से हमारी दरख्वास्त रहेगी।